अच्छी रहो, अच्छी रहो माँ, तुम्हारा जोड़ी बनी रहे। दिव्या का कपड़ा चॉइस कर रहे, बहुत घूमने फिरने के बाद एक यहाँ पे दुकान मिला, मतलब बर्थडे का जो ड्रेस रहता है। दिव्या, वेलकम बैक टू माई चैनल चानी डॉट आर्यन। तो आप लोग कैसा ही हो? बहुत ही अच्छे मैं बता चु। तो आज है दिव्या का बर्थडे, थोड़ा सा लेट से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा शाम होने वाला है और सोचे कि शाम में ही स्टार्ट करें, दिन में स्टार्ट करेंगे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, दिन में भी ऐसे सोचे कि रात में एक बार स्टार्ट करें। तो अभी स्टार्ट करें, पर दिन में क्या क्या हुआ वो आप लोग को बता देते हैं। तो दिन में ना आया था बाबू को बधाई देने, और इसका भी बर्थडे था तो उसको भी आया था बधाई मतलब आशीर्वाद देने। तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाबू का ये दिव्या का गए थे कपड़ा लेने, पर दिव्या का कपड़ा ना घूमते घूमते हमको मिला भी, तो श्रीरामपुर अब गए तो हमको कपड़ा इसका मिला तो लिए। तो वही आप लोग जब पहनेंगे तो दिखाई देंगे, ठीक है कौन सा लिया। वैसे तो हम आप लोग को दिखा दिए पहले, तो सबका ना वीडियो पहले ले लिए, सोचिए ब्लॉग जाके घर पर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट से हुआ, पर सबका क्लिप मेरे पास है तो वो हम डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी बन रहा है, क्या क्या बन रहा है आप लोग को दीदी जाके दिखाती है। हमने इधर पे ना एक कपड़ा ना फिटिंग करे थे, क्योंकि ना मम्मी रखी हुई थी, हमको मम्मी दी निकाल के गोदरेज से। इसका कलर ना बहुत ही अच्छा लगा था, सोचे कि आज यही पहनते दिव्या का बर्थडे में, तो ये थोड़ा फिटिंग नहीं। और जैसे हमको पता है कि पुलाव और चिकन पाइस मतलब खीर बन रहा है, खीर बन रहा है दिव्या के लिए स्पेशल। और दिव्या सोई हुई, क्योंकि दिव्या उठेगी ना तो अभी दिव्या का पूरा जो डेकोरेशन होता है वो सब अभी होगा, तो आप लोग को दिखाते रहेंगे, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो पापा का ना बहुत ही आदत रहता है कि सामने गाना सुनो, कुछ कुछ देखो, फोन रहता है अपने पापा को, तो सब ऐसे करते। तो अभी पापा गाना सुन रहे थे और हमको पता नहीं था, तो हमको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बन रहा है पाइस और पुलाव, क्योंकि पहले ही पुलाव बन के रेडी है, पर मम्मी फिर से पुलाव बना रही है, क्योंकि कम मम्मी बोली कम पड़ जाएगा फिर बाद में नहीं होगा तो क्या होगा, पर हमको तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे ना साइड में पुलाव ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, फिर भी मम्मी अलग से फिर पुलाव बना रही है पता नहीं क्यों। तो चलिए मम्मी बनाती है, और चिकन उकन में जो भी हेल्प होगा वैसे तो हम उतना कर ही देते हैं, और पुलाव तो हमको यहाँ पे बाबू को दिया आशीर्वाद देने हैं। देखना देखे नहीं देखे आपसे, आपने बोला आपका बात में ही रखी, तो बच के रहे, खुशी रहो, सुहाग भाग बना रहे, बच के रहे, ऐ मेरा लड़की छोटकी, खूब खुशी रहो, अच्छी रहो, अच्छी रहो, अच्छी रहो माँ, तुम्हारा जोड़ी बनी रहे, खूब फूलो फलो। हाँ, तो ये सुनने में अच्छा लगा। और अभी नहीं, 2-3 साल बाद। एक प्लास्टिक दे दे, ले लूं। सारा प्लास्टिक। आप दिव्या का कपड़ा चॉइस कर रहे, बहुत घूमने फिरने के बाद एक यहाँ पे दुकान मिला, मतलब बर्थडे का जो ड्रेस रहता है फ्रॉक व्रॉक बर्थडे में वो सब पहन जाते, थोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ना ये कलर हमको अच्छा लगा। अभी और भैया दिखाएंगे, देखते हैं और पसंद करते हैं, जो अच्छा लगेगा दिव्या वही। और बहुत छोटा छोटा दिव्या तो बड़ी होते जा रही है, तो थोड़ा सा ना 3-4 साल के अंदर ही मतलब ले रहे हैं, तो ये दिव्या पहन भी पाएगी ना। और जो जो भैया दिखा रहे तो बहुत ही छोटा छोटा पड़ रहा था, इसलिए सोचे क्यों लेना, थोड़ा सा अच्छा बड़ा लेंगे तो दिव्या पहन भी पाएगी। तो अभी चलिए बर्थडे के लिए ले लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या लेना है। चलेगा? नहीं नहीं, वो तो सेम ही उसके नहीं पर यही अच्छा लग रहा है। अभी देख लेते कपड़ा कौन सा चॉइस करते, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, जो लेंगे आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चल जाएगा, तो लेते उसके बाद आपको से मिलते हैं। ये बन चुका है, और इधर मतलब सूखने के लिए दिया है, उसके बाद इसमें जैसे वो गाजर वैसे पुलाव हमको तो आता नहीं, पुलाव वैसे जानते हैं कि पुलाव में सब कुछ होता मतलब लगता है, पर गरम मसाला गोटा गोटा सब कुछ वैसे हमको पता है, वैसे जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा मोटा बर्थडे में हाथ बटाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे प्याज कटा हुआ है चिकन के लिए, क्योंकि मम्मी बनाएगी चिकन, और पाइस बन चुका है मतलब खीर, हम पाइस बोलते रहते मतलब खीर यहाँ पर रखी हुई है। ये
और मीठा चीज़ ऐसा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मम्मी चिकन को धो के अपना अलग साइड में रख दिए, तो चलिए जो जो होता है वो कर देते हैं इसे। तो हमको इसमें पुलाव में मतलब बहुत चीज़ मालूम रहता है कि क्या किस में रखना होता है। तो अभी इसको सूखने के लिए हम दिए चुके हैं और ज़्यादा सूख, अभी और सूखेगा, थोड़ा सा गीला गीला है। चलिए पूरा डेकोरेशन हो चुका है, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ना हम लोग सोचे थे कि बाहर में करेंगे, पर बाहर में ना अंधेरा हो जाता, मतलब लाइट है पर अंधेरा हो जाता, तो यहीं पे डेकोरेशन कर चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है। दीदी मेकअप वेकअप करके एकदम आइसक्रीम खा रही है। हाँ चलिए हम भी रेडी हो ही जाते हैं। हम सोचे कि सिंपल में ही करेंगे, बस कपड़ा पहनेंगे फ्रॉक जो आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए, और मेकअप वेकअप उतना नहीं करेंगे पर दिख जाएगा, आप लोग दिखा देंगे। और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है, बना दी है। चलो सुगंध तो बहुत सुंदर आ रहा है, पुलाव का संग तो यहाँ पूरा रेडी हो चुका है। पुलाव इसको झाँक के रखे हैं जो कुछ पड़ ना जाए, और कपड़े से इसको झाँकना है क्योंकि अब हमको नहीं पता कारा हो। हाँ वैसे कपड़ा झाँके से नरम होता है, एकदम मुलायम ना। तो और यहाँ पे मम्मी चिकन भी बनी चुका है लगभग। यहाँ पे मम्मी ना गोटा गोटा लहसुन दिए ना मैं। हाँ ये तो देखे, जब भी मम्मी बनाती है ना तो गोटा गोटा लहसुन दे देती है। तो चलिए अच्छा ना, अभी तक हम रेडी नहीं हुए हैं, रेडी होते तो आप लोग को दिख ही जाएगा, मतलब दिखाएं ब्लॉग पे पता ही चल जाएगा। तो अभी रेडी, और दिव्या इधर से उधर खुद उखड़ी, जब से उसको पता चला कि बर्थडे होगा मेरा, बर्थडे होगा मेरा, बर्थडे होगा, तो इधर से उछल लिए। वैसे बच्चा का तो आदत ही रहता है। तो अभी दिव्या को रेडी नहीं किए, दिव्या को रेडी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो और कौन सा फ्रॉक ली थी पता चल जाएगा, जैसे तो क्या ही बोला आप लोगों को ब्लॉग में दिखाए हैं, पर फिर से एक बार दिखाएंगे पहने की। तो और सुंदर लगेगी, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता भी दे रहे हैं। तो है गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और अपना पूरा लुक दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे ना लाइट लग चुका है, तो इससे मतलब और अच्छा लुक दे, मतलब इससे और अच्छा व्यू देने लगा है। तो सोचे ना कि दिव्या का बर्थडे हो जाएगा उसके बाद ना रील्स भी आएगा, तो रील्स बनाएंगे और दो चार ऐसी अच्छा रहेगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा और हम कैसे लग रहे हैं कमेंट। अभी बाल भी नहीं बांधे, बाल बांधेंगे उसके बाद मेरा कंप्लीट। अभी तो आप लोग कमेंट करके दिए कैसा लग रहा है, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब कलर में ना पहली बार पहन नहीं है, पहन चुके हमको नहीं पता, पर बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए गाइस कमेंट करके बता दीजिए कैसा लग रहा है, यहाँ का व्यू आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। दिव्या कैसी लग रही हो? अब कैसे हो गया? हाँ हमको बहुत सुंदर लग रही है, हमको बहुत अच्छी लग रही हो आपको। यू मैं बाय। और यहाँ पे पापा ना दूसरा फिर से लाइट लगा दी जो और अच्छा लग रहा है। ये फेस पे देखिएगा, फेस पे आएगा तो कैसे नजर आएगा। आ रहा है ना, अब आ रहा ही होगा। आप बताइए कैसा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था ना, इसलिए सोचे इधर कर देते। वैसे दीवार पे बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है जो। और इधर तो अलग ही लाइट आप लोगों को दिखा है, पर ये जब लाइट बंद, दीदी लाइट बंद। तो अभी आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। कितना सुंदर घर, ये सब हम सब सोचे ना कि बाहर में बनाएंगे, पर बाहर में ना अच्छा अच्छा लोकेशन अच्छा नहीं लग रहा था, तो घर में सोचे कि इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, पर घर में देख सकते हो एकदम सुंदर सा। और यहाँ पे दिबू हैप्पी बर्थडे बेटू। हाँ केक काटना, केक काट। तो चलिए गाइस कैसा लगा आप लोग को? नहीं नहीं हैप्पी बर्थडे होगा तुम्हारा, होगा कैसा लगा? और इससे पूरा रेडी हो चुके हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। और बाल एकदम सिंपल सा, मैं काटूंगा तुम काटना भी नहीं, रुको मामू जाने दो। इतना छटपटाओ मत, तुम्हारा ही केक है, तुम्हारा ही बर्थडे है, तुम ही काटोगी। वैसे बच्चा को देख के आप लोग पता ही, बाबा तो फेस पे रिएक्शन देखो। गाइस दिव्या नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, एकदम अभी नहीं, बाद में
अभी नहीं, बाद में, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा उसके बाद बना। बापरे, तब से रो ही रही हमको केक काटना है, केक काटना है, तो केक कटा ही जाएगा अभी तुरंत। केक तो अभी क्यों हो गया, तो अभी स्टार्ट हो गया। अब दीदी करेगी दिव्या को चंदन टीका जो किया जाता है, और मेन चीज है कि दिव्या हो गई 3 साल की। सबसे बड़ा बात तो यही है ना, हाँ? दिव्या आप केक काटेगी? माचिस देना है वो, मोमबत्ती जला देते हैं। तो गाइस यहां पे देख सकते हो कि अभी कर दिया, केक कटिंग होगा, और इसका भी मैंने ये हटा दिया। क्या पूजा मम्मी, पहले क्या होगा, चंदन टीका दिया जाता है। हां, कुछ भी होता है ना तो पहले चंदन टीका, और इसे तो हम बिहार में रहते तो मेरा तो सास से वो करती है ऐसे। क्या की है, और वो जाता कि इसके ना माथा में ऐसे ऐसे फेस को और ये चमकाना चाहती है, ऐसे कर लेगी। आंख में चमका चमका है, देखिए रखा के नीचे, गैस के नीचे, देखिए बहुत बदमाशी करती है। पहले से केक काटने के लिए रेडी हो गई थी। अरे क्यों निकाल दी, मत निकालो अभी। नहीं मम्मी अभी नहीं, अभी हो रहा है, तुम्हारा अभी केक काटना है। गर्मी लग रहा है, अभी केक काटो। सही मम्मी, ऐसे करना है, ऐसे इनको करना मम्मी। रुको तो सही, कौन बोल रहा है? ये मैं करूंगी, ये मम्मी है, ये मैं काटूंगा मम्मी। ये लाइट लाइट फूकना, ठीक है? लाइट बंद कर दी, लाइट बंद। हैप्पी बर्थडे टू यू दिव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू दिव्या। हेलो, फूको फूको फूको, फूका गया था। हो चुकी है दिव्या 3 साल की। हाँ दो मम्मी, हाँ दो बोलो, खिला दो, तुम भी मम्मी को खिलाओ, मम्मी को तुम भी मम्मी को खिला दो, लेके खिलाओ। मौसी को भी खिलाओ, मौसी को खिलाओ, अब नानी को खिला दो, मौसी को खिला दो, नानी को खिला दो, नानी को दिव्या नानी को खिला दो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ केक खिला रही है, जो इसका हाथ में बच जा रही, खुद अपने मुंह में रख ली। मामी को खिलाओ, मामी को खिलाओ, नहीं वो तो खिलाओ मामी को, मामी को, मामी को, मामी को, मामी को, मामी को, मामी को। कितना अच्छा लग रहा है, वो अपने खा घर देख सकते हो, कैसा नाना खिला दो, नाना खिला दो बाबू, दिव्या नाना के, नाना के खिला दो, नाना खिला, नाना खिला दो, नाना को खिलाओ, नाना खिला दो, नाना खिला। चाकू मत लगा, बस हो गया, जूठा दिव्या, दिव्या तुम खा, खा खा, खुद खा ले। मामू को खिलाओ, मामू को, उठो मम्मी, हम प्लेट काट के दे दो, हैं काट के दे दे, खाने के लिए बैठ गए। और बहुत ही मस्त हमने चिकन बनाई है, पुलाव तो, और गाइस बेसी देर तक बोलेंगे नहीं क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबा बन जाएगा, तो यहीं पे ब्लॉग पे एंड करना पड़ेगा। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पुलाव और चिकन बहुत ही मस्त है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाय बाय।